हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन रावत जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सारे कांग्रेस के नेतागण, आज एससी डिपार्टमेंट की ओर से जिस हल्ला बोल का आंदोलन हुआ है उसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब से उनकी सरकार आई है महिला और बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है। हमने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, कठुआ में देखा, अब दिल्ली में देखा कि महिला और बच्चियों पर इस तरह से बलात्कार के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहते हैं कि जो अन्याय दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर चल रहा है देश में, वह हम कतई ही नहीं मानने को तैयार है। न्याय चाहिए, सिर्फ कॉम्पेंसेशन देकर कोई सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि महिला के साथ न्याय हुआ है। फांसी होनी चाहिए, सदन में सिर्फ कानून पास करने से न्याय नहीं होता, पर सर जमीन पे न्याय की मांग की शुरुआत आज यहाँ से हुई है, और इसी को हम जब तक न्याय नहीं करेंगे ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।